नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गुड्डू और आज के विषय हैं कि पैसा। पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। पैसे के लिए बहुत सारे मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, पर आखिर पैसा है क्या चीज कि हम उसके पीछे दिन रात हर 24 घंटे लगे रहते हैं। उसके चलते हमारे रिश्ते जो दारी होती है, जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, उनसे हमें झगड़ा हो जाता है पैसे के लेकर। हमारे फैमिली जो है सैड महसूस करने लगती है आपसे, मतलब एक तरह से समझ सकते हो नफरत करने लगे। सबसे पहले बात कि आप क्या हो, जब भी आप मतलब खुशी में रहो या गम में रहो या बहुत मतलब हैप्पी हो उसी के या मतलब बहुत ही सैड हो, आप करो क्या कि हर वक्त अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रखो। इससे क्या होता है ना कि आपके जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी आपके फैमिली में आपसे गुस्सा रहते हैं, क्यों गुस्सा रहते हैं इसी के चलते। कहीं से भी आते हो, गुस्सा चेहरा बनाए रखे हो, तो आपको जाहिर सी बात है आपके फैमिली मेंबर देखते हैं कि आप सैड हो, तो वो भी थोड़ी सी सैड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आप हर वक्त फेस पर थोड़ी सी स्माइल रखो, इससे क्या होता है आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत हद तक सुधार आती है। आप हर वक्त अच्छे लगते हो, देखने में भी अच्छे लगते हो, भले आप अंदर से थोड़ी सी सैड महसूस करो, थोड़ी सी तकलीफ में रहो, जो आप फैमिली के साथ शेयर ही नहीं कर सकते बात, उस बात पर आप खुद ही गुस्सा अंदर अंदर मतलब घुटते क्यों रहते हो। आप हर वक्त अपने आप चेहरे पर खुशी महसूस करो, खुशी रखो, जिससे क्या होगा लोग भी जानेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं है, बाहर वाले भी जानेंगे, फैमिली वाले भी आपके साथ बहुत ही खुश रहेंगे। उनकी खुशी देखकर आपके बहुत हद तक आपके गम जो है वो आपसे दूर चले जा सकता है, बहुत हद तक, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब थोड़ी सी खुश रहते हैं तो हमारे फैमिली वाले भी हमें देख के खुश रहते हैं। दूसरी बात, आप कोई भी मतलब बात को पूरी सुनो। अक्सर क्या होता है ना, हम कोई भी बात को पूरा सुन नहीं पाते हैं, जल्दी ही टेम्पर में आ जाते हैं या गुस्सा मतलब गुस्सा में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है आगे वाला क्या बोलना चाहता है मतलब या क्या बोलेगा उसके बाद पूरा खत्म होने से पहले ही हम गुस्सा हो जाते हैं, जिससे क्या हमें खुद नहीं मालूम चल पाता है कि आखिर वो बोलना क्या चाहता था, हमें क्या सुनना था, हम कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। तो अक्सर ऐसा ही होता है, तो आप ऐसा मत करो, कोशिश करो कि आप आगे वाला का पूरी बात सुनो, उसके बाद ही आप पूरी जवाब दो। तीसरा टॉपिक ये आता है कि हर वक्त अपने मतलब क्या होता है, हर वक्त आप गुस्से में ना रहो। तीसरा टॉपिक है जो आपको लगता होगा पहले तो मैंने बता दी, नहीं बात ऐसा बात नहीं है। हर वक्त क्या होता है ना कि आप बहुत ही सीरियस ही रहते हो, हर वक्त सीरियस मत रहो, थोड़ी सी घुल मिल के रहो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, थोड़ी सी घुल मिल के रहो। उनका कोई भी कहा हुआ बात उन पर भी गौर करो, ऐसा नहीं कि बस हम ही बोलते जा रहे हैं ऐसे नहीं, आप जो भी बोलते हैं उस पर भी गौर करो, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। हर बात को पूरी सुनो, सुनने से उस पर विचार करो, उसी समय एक्शन में मत लो। कोई बात अभी पूरा सुने नहीं क्या बोलना चाहते हैं और जल्दी से एक्शन में आ गए, ऐसे नहीं। अगर आप पूरा बात सुन भी लेते हो तो थोड़ी सी उस पर टाइम मांग लो ना, टाइम लेके उस पर विचार करो। विचार करने के बाद अगर वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये चीज वो सही बता रहे, तब आप उस पर एक्शन ले सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। आपको उसमें लग रहा है कि कोई उसमें अपडेट की जरूरत है, मतलब कोई सुधार की जरूरत है, आप उनसे बताओ कि इसमें यह चीज सुधार किया जा सकता है, तो इसमें बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी बहुत मतलब गर्मी है यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं पसीना से पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तब हर बात को पूरी सुनो, सुधार करो और उसके बाद में उसका आंसर दो। ऐसे भी हर वक्त खुशी रहो, मोटिवेट रहो। हमारे चैनल को ऐसे भी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मोटिवेट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो GS सपोर्ट और साथ में घंटी को ऑल पर सेट कर सकते हो। मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।